सारिया सैनिक वालों जथे का सत्कार किया जा रहा। मैं तह दलों धन्यवाद करना समुची प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद है, नगर की पंचायत का धन्यवाद। ये जनरेटर थोड़ा कि प्रबंधक का इन्हों का पावर चाहिए पहला दस भी लग रही भाई जाला जो उबर की देख बच्चे चल किसी ने पट के सवाल जवाब किए पट के सवाल जवाब मौत जी तीन प्रकार की है तो मौत तीन चीजा अपने कोल रखती है। एक है साधारण मौत, एक है अंख की मौत, एक है बुजदली की मौत। साधारण मौत जी आप सारे आनी है केल करेंगे हंग न अचन से बाज पाए किस रब के केलना विसरिया जो मन चेतना चेते सन सुखी रब जड़िया चित चेते भी नहीं गलत हो जाए। साधारण मौत जी सारे आनी है, एक है फुजरी की मौत। दो चार लख रुपया किसी का देना हो मेहनत नहीं करनी संघर्ष नहीं करना खूह च डिग के मर जाना गड्डी हेठा अंख की मौत। ते मौत तीन चीजा अपने कोल रखती है, एक समा जिहड़ा कदे खुंझण नहीं दिंदी, एक बहादुर अपने सिर कदे दोष नहीं लिया, एक थां समा बहाना ते थां ते तीन चीजा ने मौत पट दे थले अग बल भी है। सारण वास्ते सिख जगे विच बैठा है किसी ने पट दे नाल गल्लां करदिआं करदिआं पट नूं पुछ लिया की किसे पुछिआ पट नूं दस मैनू किसे ने पट नूं जवाब सवाल कीता सड़दे वाला की सड़ के मर गया है। अगों पट ने इउं जवाब दिता मैनू भी ठंडिया कर गया है। कहते सड़न की गल करते हो जो सड़न वास्ते सी मैनू भी ठंडिया कर गया भाई जाला भी जा मैं शहादत पी गया आखो सतना श्री वाहगुरु बार ही आइए सती दास सती दास रूह में लपेट के जूदे जी अग ला दी गई भाई सती दास भी मौत के कलावे आ गया शहीदी प्राप्त कर गया। फिर आखो सतना श्री वाहगुरु। 11 नवंबर 1675 ईस्वी वीरवार का दिन चढ़े चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को लिया गया। आज आखिरी गल्लां बातें ने गुरु के नाल औरंगजेब दी सच्चे पातशाह चांदनी चौक में लिया गया तरह तरह के लालच देने चाहे तो गुरु साड़ी ईद मन जाएगा। एक बार औरंगजेब फिर कह रहे कहता जी मेरी गल मनो मुसलमान बन जाओ कुल दुनिया तुहाडे चरणां दे झुक जाएगी। तीन चीजा ने गधेले पे खजाने दीआं चाबियां टंगियां होईआं ने, एक तलवार टंगी हुई है। कली कली चीज बदली ध्यान दवाया कदी कदी चीज आखन लगा गल मन आ गधेलिया का निग मिलेगा जिंदगी ना हो गए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी आखन लगे औरंगजेब जे इन्हां गधेलिया का निग लैना होंदा ना आनंदपुर साहब बहुत पिछे रह गया। शरारती अख दे नाल इशारा किया चाबियां वल, चाबियां टंगियां हुई खजाने दी। शरारती अख ना टेढ़ी अख ना टेढ़ा साड़ी गल मनो एक खजाना तुहानू सौंप दिता जाएगा सतगुरु हसन। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी आखन लगे औरंगजेब लै तेरे नाल एक वादा लिया। वो केड़ा वादा? कहिंदे असी तां तेरे कोले घड़ी पल दे प्राउणे आ क्योंकि असी इकरारनामा लिखती रूप च दित्ता ते तू साडे नाल ढिल नहीं करेगा। असी तेरे कोले घड़ी पल दे प्राउणे आ पर औरंगजेब तैनू इन्नी उम्र दित्ती कि तू मैनू खजाने का लालच दे रहा चाबियां देने का लालच। मत खजाना सरसा विच रुड़ेगा ते तू अपनियां अखां नाल वेख के मरेगा। ते सत जाणू जदन सरसा दे विछोड़ा पिया ना परिवार विछोड़ा
उधर मनामुरी ग्रंथ गुरु घर का खजाना अणगिणत सिंह सरसा की भेट चढ़े। ये खबर औरंगजेब तक पहुंचिया कि गुरु घर का इन्ना खजाना सरसा की भेट चढ़ गया। यह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के वचन सन। औरंगजेब सामने तलवार पई है, इस तलवार के नाल तुहाडा कतल कर दिता जाएगा। सतनु फिर आखन लगे औरंगजेब जिहड़ी तलवार का मैनूं डर दिंदा उस तलवार नूं किल्ली तों थले लाह के लिया, वेख उहदे मुठ्ठे उत्ते की लिखे आ। वो तलवार थले लाई गई, उहदे चों मिट्टी कट्टा चाड़े। सानूं पता, तेरे दसण दी लोड़ नहीं, मैनूं पता इहदे उत्ते तेरे बाप दा नां है, ते इहदा मतलब है तेरे बाप दी तलवार। जे इहदे उत्ते तेरे प्यो दा नां है ते इहदा मतलब है तेरे प्यो दी तुहाडी घराणे दी तलवार, तेरे बाप की दरबार। कहते औरंगजेब जिहड़ी तलवार का तू मैनू डर दिना ना, इहदे उत्ते तेरे प्यो का नाम लिखा, इहदा मतलब तेरे बाप की दरबार है। पर यह गल भी तेनू याद होनी चाहिए है कि तेरे बाप की तलवार मेरे बाप के चार बारी कदम चुम चुकी है। मैं गल तुहाडे दिमाग च लिया, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने की लगते हैं पिता जी, तो छेवें पातशाह ने चार जंगा लड़िया। वो चार जंगा दे विच इह शाहजहान वाली तलवार वरती गई, तो छेवें पातशाह ने चार जंगा जितिया ना, बच्चा बच्चा जानता। तो इहदा मतलब इस तलवार ने चार वारी हार वेखी, तो जिहड़ा बंदा हार वेखे हार जाए वह दूजे के पैर ही पै जाता। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी आखन लगे औरंगजेब जिहड़ी तलवार का मैनू डर दिना ना, यह तेरे बाप की तलवार है, पर यह मेरे बाप के चार बारी कदम चुम चुकी है। इन्हें साढ़े घर को चार बारी हार खाधी है, हार तो अज किवें जित लेगा। जलालो दी इतों के जलाद हो, और अज तक इस पिंड के विच इस शहर के विच जलाद आ रहे हैं। किसी को फांसी दी जाती है तो समाने के जलाद कर समाण के रहने वाले शासक व्यक्ति पास में इन्होंने साहबजादा मुड़िया बच्चे समाण के रहने वाला जला जला लो दी किली तो ला के जलालो दी के हाथ च दे दी। सिखा के पीर का कतल सतगुरु चौंकड़ा ला के बैठे, समा रुक गया। समय समय साढ़े को रब बोल रहा, पर दुनिया के लोगों ने रब पछाने नहीं। चौंक अज धड़ तो सीस ना कटा पैदा रब न, पर लोगों ने रब पछाने नहीं। जलाल जलालो दी ने अपने हाथ तलवार लई है, गुरु पिता ना पछाणदे होया बाबा दे भार गुरु पिता के उत्ते एक वार करदा, तो सतगुरु समाधि लग बैठे ने। उस वेले दे वातावरण नूं घट जांदा है
अपने कमर कसे पार के बनाए थले लुकोया आशीष ऐसी पानू आई ऐसी अंधेरी आई लखी शाह बंजारे ने इस धूड़ का लाहा इस उठती कारद गुरु पिता के धड़ चुकया अपने गढ़ दे लद्या अपने घरे ले जाके समेत अपने कारोबार कारोबार को अग ला दी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु एक काल की धरत शमेश पिता तुसी एक कहावत सुनी होगी है कोई आशक वरदा जो घर फूक तमाशा देखे अज दे लोकां नूं रंगत होर ही देती है इश्क हकीकी दीआं बातां ने कि कैसा इश्क जागिया लखी शाह बनजारे दे अंदर बात कीती जो दा संस्कार कीता अपना सारा कुछ फूक दिता सारा कुछ ते भाई जैता किड्डी सेवा उहदी कदे सोचिया लोकी गड्डियां च आउंदे जांदे दिल्ली नूं अक जांदे ने भाई जैता दिल्ली तो सीस लै के तुरिया ते सरकार ने ऐलान किया कौन लै गया धड़ चक के कौन लै गया सिर चक के जेदे कोले मिलदा उहनूं ते भाई जैता अपना सफर इन तय करता रात नूं सफर तय करता दिने झाड़ियां च लुक जांदा त्रावड़ी दे विचे कहिंदा भाई रामा जिहड़ा हर वेले गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज नूं याद करदा सी कदों आवे सच्चा पातशाह कदों आवे नवां पातशाह मैं कदों उहनां दी सेवा करां कदों दर्शन परसन करां कदों चरण परसां ते इस पिंड दे पंडित नूं पता है ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਜਗਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ
उन्हें अगे भाई जेता वेख्या उहदे हाथ च कुछ फड़िया वेख्या उत्ते लहू दे नाल भिजी पलक वेखी दिमाग च गल आ गई जेदी दिल्ली च रौली पई है कि सीस कौन ले गया ये सिख जिहड़ा सीस लैके आया जिने गुरु ने साडी खातर अपना बलिदान दिता अज उहदा सिर मैनू बचाउणा चाहीदा। पंडित बोलिया कुछ नहीं उन्हें बांह फड़ी पाई जाते भाई रामे ने घर का जाके दरवाजा खड़का दिता दरवाजा खुलिया अंदरों भाई रामा आया कौन है जी पंडित आखन लगा भलिया मानसा जिन हर वेले याद करदा वो गुरु तेरे घर आया भाई जिता गुरु है आओ जी खुशी जी को हाथ ना लग गई अपनी घर की दरवाजा मारता कहना पगा मर जाए गुरु अपने घर आया जिन्हों आप दिन रात याद करते सवेख अपने घर चल के आ गया कोई डा मंजा पीड़ी घर दी ने भज के मंजा डाया बेड़े दे विच लिया कुछ छकाउण वास्ते वह कुछ छकाउण वास्ते लैन गई जदों मंजा डाया ना तो भाई रामा आखन लगा जी बराजो तो भाई जेते ने अपने हथा में फड़िया हुआ सीस उस मंजे के उत्ते रख दिता समेत पलक आप मंजे का पावा फड़ के बह भाई रामा आखन लगा पाशा उपर बराजो भाई जेता आखन लगा उपर बराजन वाला बराज चुका है भाई रामा आखन लगा कौन बराजिया तो भाई जेता आखन लगा रामिया तेरा भी गुरु है ते मेरा भी गुरु है जेड़ा उपर बराजिया ये तेरा भी गुरु है ते मेरा भी गुरु है जिन्हों तू हर वेले याद करता हूं तेरा गुरु बराज चुका है अगाह के कंबे हथा दे नाल भाई रामे ने पलक चुकी है ते उस पलक दे थल्ले गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दा शीस पिया तहां ने कहियां भाई रामे दियां आखां लगा सच्चे पातशाह मैं ते तैनू इंज नहीं सी याद कीता जिवें मेरे घर तो आया मैं ते याद करदा सी कदों पातशाह होण मैं कदों चल पासा मैं कुछ खाण नू दवां तुसीं अगे बैठे मेरे छको सच्चे पातशाह मैं तैनू इंज नहीं सी याद कीता मैं किवें तेरे चरण धोवां मैं किवें तैनू कुछ खिलावां और हट के आखन लगा वाह मेरा पातशाह मैं नहीं सी जानदा कि जे कोई सिख सच्चे मनों तैनू याद करदा ते तू मरदा मरदा भी उन्होंने घर च फेरा पा जाता है को सतनाम श्री वाहिगुरु ऐसा है तुहाडा गुरु सिखो ऐसा है की लेना जाके मड़िया बच्चों की लोगे जाके सिवै बच्चों की लोगे दूजे तीजे दे कोलो भाई रामे वर्गे सिख बन जो भाई रामे वर्गे के गुरु मर के भी तुहाडे घर च दर्शन देने वास्ते आ जाता है गुरु बाबा कृपा करे भाई जिता पहुंचा आनंदपुर साहब की धरती से लंबे विशन फिर कि साझा करा मेरी मां दे सिर दे साईं दा सिर घर नूं लैके आया तेरी सेवा नूं कदे भुलिया नहीं जाएगा अज कौन करदा चेता भाई जी तेरा कौन कराउंदा नाम दे तखन पासा कित्थे लगदे ने भाई जी तेरे जोड़ मेले सवाए ओहदी कौम तों माफ करना सी कदे याद करदा जदों नहीं कीता ना कोई दवान टोडर मानू चेते करदा ना कोई मोती राम महल नू चेते करदा जिन्हां ने जान तली ते टका के सेवा कीती गुरु कलगी वाले पाशा दे परिवार दी किथे ਜੇ ਦਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਟਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਨਾਟ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ 4 ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ 4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ 4 ਘਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
फिर असं ये देखते हैं भी घट पैसे किमें लगन गए घट किमें लगन गए दवान टोडर वाले ने 2.5 अरब रुपया सेवा की 2.5 अरब रुपया उन्होंने दिनों च ते अज का सिख कहता है कि घर च खंड पाठ सुखाने की बजाय लड़ियां चलदियां ने तलन साहब लड़ी चलती मेरे गुआंढ च 40 पाठ रब आते हैं हरेक तीजे दिन 500 रुपये च 500 रुपये च एक खंड पाठ साहब लड़ियां चलदियां लड़ियां चलाना माड़ी गल नहीं छब्बी तरीक नूं भोग पवेगा सिख घर आ पता की सोचता है अपने दिन ला लो गल मैं अपनी भी गल करता मेरे भी गुआंढ स्थान रसीद मिलती उन्नी तरीक पाठा पाना इन्नी भुख पवेगा सिख घर आ सोचता कि जे तो आरंभ वाले दिन जा हो गया तो ठीक है नहीं तो भोग वाले दिन चले जावे इवें ही है ना फिर भोग वाला दिन भी आ गया इतने की गल नहीं जी मैं गल पक्की कह रहा भोग वाले दिन भी सिख सोच लग जाता भाई जे तो टाइम ना पहुंच हो गया तो ठीक है नहीं तो रसीद विखा के सरोपा तो मिल ही जाना आखो सतनाम श्री वाहगुरु असी इन्हों कमां तक सीमित रह गए इन्हों कमां तक मैं प्रबंधकों को एक बेनती करा अगे तो मेरी गल नोट कर लियो मैं कनेडा में भी यह काम बंद करा के आया तो इतने भी मैं पिछले 2 सालों तो प्रचार कर रहा गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी का दिन हो गया गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहीदी का कार्ज होवे साहबजादा की शहीदी का पुरब हो ना सरोपे दया करो तो ना सरोपे लिया करो जेडे साडे गुरुआं नूं जेडे साडे साहबजादियां नूं आखिरी वेले 2 गिठां कफन भी नसीब होया ते उन्हां दीआं गल्लां करके असीं अपने गलत सरोपे पाउंदे फिरीए सानूं सोधदे भाई दया सिंह रो रो के मर गया सच्चे पातशाह मैं अपने दमाना दे दो टोटे करके इन्हां दे उत्ते पा दिया पातशाह कहिंदा नहीं जिहड़े बगाने ने उह वी इन्हां वर्गे नहीं मैं पिछले 2 सालों तो कदे साहबजादे की शहीदी का प्रोग्राम हो मैं अपने गल च कदे सरोपा नहीं पाया मैं तुहानूं वी बेनती करदा पैसे देण वालों नूं बेनती करदा कि शहीदी समागम ते 4 शहीदियां गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहीदी गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी ते साहबजादे की शहीदी का कोई भी प्रोग्राम होवे ना सरोपा लैणा ते ना सरोपा देणा हथ जोड़ के आपां सिखी इस पासे नूं चलीए जो सरोपा गल चुकाओगे हमें आँदी है लोग सोचते देने 11,000 दिता आ सरोपा मिलया दूजा कहिंदा मेरे कोल कितों आउंदा 11,000 ये भिन्न भेद साडे विच आउंदे ने पहला इस सरोपे के महत्व को समझो तो फिर लइए दईए पर इन्हें शहीदियों में सरोपे बन सकता महाराज का कोट नुकसान प्रभाव जिन्होंने खुले दर्शन करके किन्ने हल किया धनबाद का समुची प्रबंधक कमेटी का नगर की पंचायत का छोटे वे वीर का नौजवान वीर का जिन्होंने सहयोग दिता असी पाठ रखाओ पर मैं एक बेनती करता घट्टो घट जे 40 पाठ रखोए तो घर भर की एक सिख आ सेवा कर लो जिन्हें जिन्हें पाठ कर लख रुपये का पाठ होंगे घर से खाना होगा कल पंच सारे आए सारिया जथेबंदियों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना गाड़ी जत्था भाई सुरजीत सिंह वारस पिंड नगर फतेहगढ़ देखो सज्जन असी सुनिया जो हो सब सुमेल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी हजूरी में जुड़ बैठी सात संगत जी हो धन्यवाद कर रहे हैं सरदार सुरजीत सिंह वारस सतसंग जी जिस वेले धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज बिल्कुल प्रतख साढ़े अखा के सामने लिया दी है सो समूह संगत वालों सारे पिंड वालों इस ढाडी जथे का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी समूह संग नगर के सहयोग नाल उन्हें जरूर अमल किया जाएगा पर हुण जो भी प्रोग्राम बन चुका है वो मुताबक ही प्रोग्राम चलना है सो जिथे जिन्हें परिवार ने
श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवाए सन। देखिए ता गिणियो ना ओदे मरीद किन्ने, गिणियो ना ओदे मरीद किन्ने, गिणती कर ले उस कौम विच होए शहीद किन्ने। चित ला के सुनियो गुरसिख इक जोदा पर उपकारी सी, जो धर्मी हामी सचदा सी ते सिदक दी मूरत पारी सी। पंज वांगुर गल करिए जे उपकारा दी, जो सच दे पहरेदार बने गल करिए सिख सरदारा दी। अग हेठ तवी दे बलदी रही ते गर्म रेत सिर पौंदे रे, टुटी नहीं समाधि सिदकी अत हो गई अत्याचारा दी। जो सच दे पहरेदार बने गल करिए सिख सरदारा दी। अज हिंद दा धर्म बचाउणा ए, अलजाम पुछ के की करना, जद पर उपकार कमाउणा ए। नौवां गुर राखा हिंदियां दा, शाह माणकिया तलवारा दी, जो सच दे पहरेदार बने गल करिए सिख सरदारा दी। जो सच दे गल करिए सिख सरदारा दी। जालम दियां तिगां टुट गईयां, ना टुटिया सिदक गले लै, धन जिगरा बबर शेरा दा, सिर ला दो धर्म प्यारा है गल करिए जे प्यारा दी। जो सो सिरोपाओ और हुक्मनामा ये दोनों ही ये लिफाफे दे विच पैक किए हुए हैं। सारे ने यह बड़े प्यार सत्कार नाल इहनू बोले सो निहाल। अगला प्रवास का जोगा सिंह फतेहपुर तो बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। अगे राजदीप कौर सपुत्र अमरीक सिंह जिठू मजारा सो निहाल। सत श्री अकाल रविंदर सिंह बलजिंदर सिंह पुत्र सरदार सोहन सिंह बोले सोनेहाल। बोले सोनेहाल कार जशनप्रीत सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह जशनप्रीत सिंह बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल बोले ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਖੈਰੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਪੁਰ ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦੌਲਤੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਾਲੜੇ ਤੋਂ ਔਰ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ
ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਮੁਜਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਮੁਜਾਰਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਸਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂ ਮੁਜਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਦ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਜੋ ਨਗਰ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 15,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਸਿਰ ਉਠਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਰਣਤੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨੇ ਤਤਪਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰਫਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਹਿਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਪਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਕਿ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਪਰੋਖੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਬਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝੰਦਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਜਿਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨਤਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਤਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਵਾਏ ਗਏ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨਤਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨਤਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਵੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ,
मत पत के राखे आप वाहिगुरु जी ने माणिया दे माण सतगुरु जी नितानिया दे तान निओटिया दे ओट धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज आप जी के चरणा च अरदास बेनती सच्चे पातशाह जीओ गलियां वालों अते नगर दियां संगतां वालों बड़ी श्रद्धा दे नाल धन धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के पावन शहीदी गुरपुरब जोड़ मेले मनाने के वास्ते महान उपराला किया गया महाराज सच्चे पातशाह जीओ 39 श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग उपरंत खुले दीवान सजे सजे हुए दीवाना के ढाडी जथे वालों भाई मतीदास जी भाई सतीदास जी भाई दयालदास जी धन धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का शहीदी साका आप जी के चरणों में संगतों को सुनाया गया महाराज सच्चे पातशाह जीओ दीवाना की समाप्ति हुई महाराज सच्चे पातशाह जी दीवाना की समाप्ति समय संगतों वालों बख्शिया दातों में अमृत कड़ा प्रसाद दिया देगा सज के हाजिर ने आप जी को भोग लगे सीत प्रसाद आप जी की संगत में वरते जो छके सो आप जी का नाम जपे जो भी माई भाई सिख संगत ने आप जी के इस शहीदी समागम के जो भी तिल फुल मिट माया अते रस्तों के नाल सेवा की सच्चे पातशाह जीओ संगत की सेवा दर प्रवान करनी किरत कमाइया में वाधे देश प्रदेश रखिया करनी नगर खेड़े विच अते इलाके विच सुख शांति रखनी इसे तरह ही अपन संगत शहीदी जोड़ मेले मनाने का बल तुम प्यार बख्शिश करना सरबत संगत हाजरिया दर प्रवान करनिया अपने दरों गुरु नाम दियां दातां गुरु सिखी जीवन बख्शिश करना पवित्र हुक्म नामे बख्शिश करो आप जी का नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की शबद मेले राज करेगा खालसा की रह न कोई वार हुए समलेंगे बचे शरण जो होए वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे वाहिगुरु पारे उतारन हार ठंडा जाके हाथ में कलगी सो है सीस सो हमरी रचया करे गुर कलगी तार जगदीस सो हमरी रचया करे गुर कलगी तार जगदीस बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु नानक
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਵੇ ਖਾਏ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਮਹਿਲ ਕੋ ਮਹਿਲ ਨ ਜਾਣਨੇ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਸਬਦ ਜਿਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਲਹਿ ਜੋਤੇ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਦਾ ਸਿੱਟੇ ਕਾ ਭਾਵ ਮਨ ਵਸ ਸਵਾ ਸੋਜੇ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਧਨ ਧਨ ਭਾਵ ਚੁਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਣਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਰਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਰਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਦੇਵ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੀ ਹੋਏ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਮਹਾਂ ਦਾਲ ਚਾਵਲ